पीछे लग रहा उतर रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका सर्प मित्र में। और आज का रेस्क्यू का कॉल है मुरारपुर ग्राम सभा। और ये जो भाई सामने दिख रहे हैं सीढ़ी लगाकर, इन्हीं का ये पुराना मकान है, इसी के अंदर कोई सांप देखा। कहाँ देखा गया? अंदर। दोस्तों देखिए, पुराना मकान है जो कि पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, लेकिन यहाँ देखिए मैं आपको दो दो महाशय लोगों के दो दो महाशय से आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। तो देखिए, एक महाशय यहाँ सामने बैठे हुए हैं और दूसरे महाशय जो है ये यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इंसानों के घर पे कब्जा कर लिए हैं, तो इनको चलिए करेंगे रेस्क्यू सुरक्षित। रेस्क्यू करने के बाद इनका जो घर है वहाँ ले जाके इनको छोड़ा जाएगा, ताकि ये अपने घर पे अच्छे से रह सकें और इंसानों से इनको खतरा ना हो और ये सेफ हो जाए। तो चलिए अब करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट, देखते हैं कैसे होता है रेस्क्यू। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हो चुके हम लोग रेडी। पीछे लग रहा उतर रहा। देखिए दोस्तों, काफी बड़े साइज का है और इसको खींचने में हालत खराब हो जा रहा है। ये देखिए, उसका हेड भी निकल रहा है। तो फाइनली एक को हमने सुरक्षित निकाल लिया और ये अपने आप को ही बाइट कर रहा है और काफ़ी बड़े साइज का है। और ये तो कुछ शायद खाया हुआ है, जिसकी ये पीछे वाली मोटाई आप हिस्सा देख रहे हैं, ये कुछ फुला फुला टाइप का लग रहा है। तो ये काफ़ी दिन पहले लग रहा है खाया हुआ है, डाइजेस्ट कर चुका है लगभग। और ये इसकी इसको कर देते हैं पहले पैक, और एक और है उसको रेस्क्यू कर लेते हैं, तो फिर दोनों को एक साथ निकाल के इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों एक को निकल गया। आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा चतुर है, जैसे ही हमने पैक किया वैसे ही ये फिर से बाहर निकल गया। एक प्रकार से बहुत ही सावधानी से इनको पैक करना पड़ता है। तो फिर से हमने डाल दिया है, देखो क्या होता है। अब की बार सुरक्षित चला गया। तो चलिए दोस्तों, एक को हमने सुरक्षित पैक कर दिया, दूसरे वाले को भी करेंगे रेस्क्यू, उसके बाद सारी जानकारी आप सभी को देंगे।
तो चलिए चलते हैं, देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले को रेस्क्यू करने में हमको कितना मशक्कत करना पड़ता है। और ये भी आराम से देखिए अंदर बैठा हुआ है, और ये भी बड़े साइज का है, तो हम लोग के लिए टास्क है इसको भी रेस्क्यू करना। बहुत बड़ा साइज का ये भी है। और ये अंदर की तरफ है, और ये पूरी अपनी बॉडी को फंसा लिया है। और ये उसके अंदर कुंडली मार के बहुत बुरा तरीके से बैठा हुआ है, फंसा हुआ है, मतलब अपने बॉडी को फंसा लिया उसके अंदर। और ये अगर निकाला नहीं जाएगा तो ये भूल जाएगा। सुरक्षित कर लिया हम लोगों ने रेस्क्यू। ये थोड़ा छोटा साइज का है, तो चलिए इसको भी बाहर लेकर चलिए। और ये अभी बेबी पाइथन है, इसका हेड आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत। ओह माय गॉड, कितना बुरी तरीके से काट रहा है। इसी को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो मैक्स चलिए हम दोनों सांपों को निकालते हैं सुरक्षित, और जानकारी प्रोवाइड एक साथ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों पाइथन दोनों सांपों को हम लोगों ने बाहर निकाला। और मैक्सिमम एक सांप की हम लंबाई की बात करेंगे तो करीब करीब 9 फुट का है, 9 फीट से कम नहीं है, कम से कम 10 फीट मान के चलिए होगा। और एक की बात करेंगे तो 7 फीट से वो भी कम नहीं है। और ये दोनों जो सांप है, एक नॉन वेनमस स्नेक है जिसको हिंदी में भारतीय अजगर के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन और कई जगह पे इसे लोग चीतंग भी बोलते हैं। ये एक प्रकार से पूरी तरीके से नॉन वेनमस स्नेक होता है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का वेनम जहर नहीं पाया जाता है, ये बिना जहर वाला सांप होता है। लेकिन ये अपने शिकार को और अपनी बचाव के लिए कभी कभी इंसानों पर भी हमला करता है, और अपने शिकार को तोड़ मड़ोड़ के उसका दम घोट के उसको निगल जाता है। यही इसका मुख्य भोजन जो होता है, छोटे स्यार हो गए, लोमड़ी हो गए, कुत्ता बिल्ली या छोटे वन्य जीव जो होते हैं खरगोश वगैरह, उन सभी को ही अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे खंडरों जगह पे रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इनको प्लीज़ आप सभी लोग बचाने का प्रयास करें, ना कि मारें, ना आप सभी लोग बचाएं, ताकि ऐसे वन्य जीवों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। जब भी ऐसा वन्य जीव दिखता है तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है फ़ोन करें, सुरक्षित हम लोग उस बेजुबान को बचा लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं सुरक्षित दोनों को पैक। पैक करने के बाद परफेक्ट अनुकूलित वातावरण में जाके छोड़ा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्रियंका मैम के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, आप सभी लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, समय आ चुका है इन दोनों बेजुबानों को सुरक्षित पैक करने का। पैक करने के बाद इन दोनों को ले जाकर परफेक्ट अनुकूलित वातावरण में छोड़ा जाएगा, ताकि अपनी जिंदगी वहाँ अच्छे से सर्वाइव कर सके, इंसानों से दूर रहे। और
इसको भी करेंगे अपन हैक को कैच, छोड़ दो इसको दो ही। और एस का मूवमेंट जब भी लेते हैं तो ये इनका अटैकिंग, और प्रियंका मैम ने सुरक्षित पकड़ लिया। देखिए दोस्तों दोनों को पैक कर दिया सुरक्षित दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं इस दोनों अजगर को रिलीज करने। ये नदी वाला यूनिट है आप देख सकते हैं, और ये यहाँ आराम से रह सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक एक निकल गया और जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। देखिए दोस्तों दोनों चले गए अपने अपने स्थान। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।